नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपने आपके यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पॉइंट पे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट को लेकर आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस आया है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर जो टेंडर जारी किया गया था और उसका जो डेट था, लास्ट डेट आपका टेंडर के लिए, उसको जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग एक आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट को लेके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले आरआरबी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जहाँ पे ईसीए यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर टेंडर जारी किया था और जहाँ पे बताया जा रहा था कि आपका लास्ट डेट जो है दोस्तों आपका 16 अप्रैल को रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इसका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिस जारी किया गया आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में, ये नोटिस कल जारी किया गया था। क्लिक हेयर फॉर करिजेंडम नंबर 1 ई टेंडर नंबर आरआरबी ऑल टेंडर CEN03 2019। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड कर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी यहाँ पे अपडेट दी गई है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है ई टेंडर नंबर आरआरबी ऑल टेंडर CEN03 2019। यहाँ पे दोस्तों क्लियरली बताया गया कि नेम ऑफ वर्क आरआरबी एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड एक्टिविटी लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल ETC फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इन इंडियन रेलवे नोटिफाइड इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN03 2019। द रिवाइज डेट फॉर प्री बीड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर एंड ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बीड्स विल बी एज अंडर। पहले जो डेट दिया गया था उसको रिवाइज कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बताया डेट एंड टाइम ऑफ प्री बीड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 7 अप्रैल को रखा गया है शाम को 3:30 पे। अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ई टेंडर यहाँ पे बताया गया है 1/5/2020 यानी कि 1 मई को यहाँ पे दी गई है शाम को 3 बजे तक। डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बीड्स यहाँ पे 1/5/2020 शाम को 3:30 तक रखा गया है। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन विल बी रिमेन सेम। करिजेंडम विल बी अवेलेबल एट IREPS पोर्टल, दैट इज www.irepsgov.in। इस पोर्टल में जाके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो डेट है उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आपका टेंडर देने का जो लास्ट यहाँ पे जो है डेट दिया गया है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन टेंडर यहाँ पे 1 मई को रखा गया है। पहले जो डेट था यहाँ पे 16 अप्रैल को रखा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो डेट को जो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का यहाँ पे कोई भी डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। जितना भी रूमर्स चल रहा है आप उस रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए। आपका एग्ज़ाम आपका जब तक ECA कन्फर्म नहीं हो जाता है तब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा और एग्ज़ाम का डेट भी फाइनल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 1 मई तक कि आपका कौन ECA कन्फर्म होता है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका RRB NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम या तो फिर RRB का जो CEN03 जो मिनिस्टेरियल पोस्ट है उसका भी एग्ज़ाम कब तक शुरू होगा, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही RRB रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।